हेलो एवरीवन, तुहाडे सारिआं दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी ते। दोस्तों, अज फिर तो मैं तुहाडे लई जीके दी एक नई वीडियो लेके आया हाँ, जिदे विच आपां वेखांगे वार्ड अटेंडेंट दे लई जिहड़े भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते ने उन्हां नूं आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। ते नाल ही मैं तुहानूं कहना चाहांगा कि जिहड़ी भी एक्सट्रा नॉलेज मैं तुहानूं दसदा हाँ वह तुसीं कापी दे उत्ते नोट करते जाना है, जिस नाल जदों भी तुसीं रिवीजन करोगे तुहानूं पूरा फायदा मिल सकेगा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के लेखक ने इसनों की सिरलेख दिता। अपने कोल चार ऑप्शन ने, जिमें कि दोस्तों मैं तुहानू हर बार कहना कि क्वेश्चन तुसी पहला खुद तो सॉल्व करके वेखना है। अपना जिहड़ा ऑप्शन नंबर ए है जी भारत दी सवेर दा गीत, ऑप्शन नंबर बी है जी अपने कोल भारत दी स्वतंत्रता दा गीत, ऑप्शन नंबर सी अपने कोल है जी भारत विधाता, तो ऑप्शन नंबर डी है जी अपने कोल इन्हां विचों कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी भारत विधाता। इसका लेखक कौन सी दोस्तों राष्ट्रीय गान का? राष्ट्रीय गान का अपने कोल जिहड़ा है लेखक है वह कौन है जी? रविंद्र नाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्र नाथ टैगोर। इस तो इलावा दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जिहड़ा भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ओनू गाउण की अवधि किन्नी है, यानी उन्हूं पूरा गाउण की अवधि किन्नी है? तो उनकी अवधि है दोस्तों 52 सेकेंड। किन्नी है दोस्तों? 52 सेकेंड। तो उनदियां पहली अते आखिरली पंक्तियां नूं गाउण की अवधि किन्नी है दोस्तों? 20 सेकेंड। किन्नी है जी? 20 सेकेंड। तो पूरे नूं गाउण की अवधि किन्नी है? 52 सेकेंड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम विच पूछा गया है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बाल दिवस कदों मनाया जाता है? अपने कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन नंबर ए है जी अपने कोल 2 अक्तूबर, ऑप्शन नंबर बी है जी 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है जी 5 सितंबर, तो ऑप्शन नंबर डी है जी 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर। 14 नवंबर नूं जिहड़ा है जी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की हैगा सी दोस्तों, इस दिन जिहड़ा है अपने देश के जिहड़े पहले प्रधानमंत्री सी जवाहर लाल नेहरू उन्हां दा जन्म होया सी। उन्हां दे जन्म दिन के दिन जिहड़ा है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर नूं। इस तों इलावा ऑप्शन नंबर ए जिहड़ा अपने कोल है जी 2 अक्तूबर। 2 अक्तूबर नूं की हुंदी है दोस्तों? गांधी जयंती। इस नूं विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस किसनों मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्तूबर नूं। इस तों इलावा ऑप्शन नंबर सी अपने कोल जिहड़ा है जी 5 सितंबर। 5 सितंबर नूं की मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर नूं मनाया जाता है शिक्षक दिवस। की मनाया जाता है दोस्तों? शिक्षक दिवस। किहदी याद में मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है अपने कोल डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्हां दा जन्म होया सी दोस्तों 5 सितंबर नूं। उन्हां दे जन्मदिन के दिन मनाया जाता है अपने कोल शिक्षक दिवस। की मनाया जाता है दोस्तों? शिक्षक दिवस। इस दिन किसका जन्म होया सी? डॉक्टर राधा कृष्णन का। इस तो इलावा अपने कोल ऑप्शन नंबर डी जिहड़ा है जी 30 जनवरी। 30 जनवरी मनाया जाता है दोस्तों शहीदी दिवस के रूप में। 30 जनवरी किस दिन के रूप में मनाया जाता है? शहीदी दिवस के। इस दिन की होया सी? महात्मा गांधी जी नू गोली मार के हत्या कर दी सी नत्थू राम गोडसे ने, इस करके इस दिन नूं मनाया जाता है शहीदी दिवस के रूप में। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं दोस्तों। अपना नैक्सट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर विच किन्ने महीने हैं? ये क्वेश्चन मैं तुहानूं पिछली वीडियो विच करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए है जी अपने कोल 7, ऑप्शन नंबर बी है जी 11, ऑप्शन नंबर सी अपने कोल है जी 12, ऑप्शन नंबर डी है जी 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल की हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेखते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चार मीनार किस शहर में स्थित है? अपने कोल चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी है जी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है जी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है जी अपने कोल औरंगाबाद। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद।
हैदराबाद विच की है दोस्तों, चार मीनार स्थित है। इस तो इलावा हैदराबाद विच की है दोस्तों, सेलारगंज जेड़ा अजायब घर है वह भी कितने बनया होया है हैदराबाद विच, केड़ा सेलारगंज अजायब घर। इस तो इलावा दोस्तों लाल किला कितने स्थित है, लाल किला कितने है दोस्तों, लाल किला स्थित है दोस्तों अपने को दिल्ली विच। इस तो इलावा कुतुब मीनार भी कितने स्थित है, दिल्ली विच। इस तो इलावा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ताजमहल कितने है, ताजमहल कितने है दोस्तों, आगरा विच। इस तो इलावा जामा मस्जिद कितने स्थित है, वो भी कितने है दोस्तों, दिल्ली विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हां विचों किस खेत्र नूं पहला कलिंगा दे नां नाल जाणिया जांदा सी। अपने कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन नंबर ए है जी अपने कोल गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है जी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है जी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है जी उत्तर प्रदेश। अपने कोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिहड़ा हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा नूं जिहड़ा है पहला कलिंगा दे नां नाल जाणिया जांदा सी। इस तो इलावा आपां वेख लिया दोस्तों उड़ीसा की जिहड़ी राजधानी है वह की है जी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी अपने कोल की है जी, भुवनेश्वर। इस तो इलावा ऑप्शन नंबर ए अपने कोल है जी गुजरात, गुजरात की राजधानी की अपने कोल है जी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी की है जी गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी है जी अपने कोल कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी अपने कोल की है जी बेंगलुरु, की है जी बेंगलुरु। इस तो इलावा अपने कोल ऑप्शन नंबर डी है जी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी अपने कोल की है जी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी की है अपने को लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत विच अध्यापक दिवस कदों मनाया जाता है, भारत विच जिहड़ा है अध्यापक दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। अपने को चार ऑप्शन ने, ऑप्शन नंबर ए है जी अपने को 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है जी अपने को 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी अपने को है जी 11 सितंबर, ते ऑप्शन नंबर डी है जी अपने कोल 2 अक्तूबर। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर। 5 सितंबर नूं दोस्तों मनाया जाता है अध्यापक दिवस के रूप में। इस तो इलावा क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों कि 8 मार्च नूं किस रूप में मनाया जाता है, 8 मार्च नूं मनाया जाता है दोस्तों महिला दिवस। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 मार्च नूं मनाया जाता है महिला दिवस। इस तो इलावा ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए दोस्तों, पृथ्वी दिवस या धरती दिवस किस दिन मनाया जाता है, धरती दिवस जिहड़ा है दोस्तों ये मनाया जाता है 22 अप्रैल नूं, 22 अप्रैल नूं मनाया जाता है धरती दिवस। इस तो इलावा ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी नूं, 4 जनवरी नूं मनाया जाता है ब्रेल दिवस के रूप में। इस तो इलावा काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों कि आर्मी दिवस किस दिन मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी नूं, 15 जनवरी नूं मनाया जाता है आर्मी दिवस। 8 मार्च में मनाया जाता है दोस्तों महिला दिवस, 22 अप्रैल में मनाया जाता है दोस्तों धरती दिवस। इस तो इलावा दोस्तों अपने को ऑप्शन नंबर डी जिहड़ा है सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल सी, कौन सी दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल किहड़े राज्य की, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के विच पहली महिला राज्यपाल सीगी कौन, सरोजनी नायडू। इस तो इलावा यह एक कवित्री भी है, की है दोस्तों कवित्री। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं दोस्तों, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, सरोजनी नायडू सी, सरोजनी नायडू जी है वह की सी,
ऑप्शन नंबर ए अपने कोल है जी एक कवित्री, ऑप्शन नंबर बी है जी नावलकार, ऑप्शन नंबर सी है जी कहानीकार, ऑप्शन नंबर डी है जी नाटककार। जिवें कि मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकिया कि ए कौन सी जी एक कवित्री, तो ऑप्शन नंबर ए जिहड़ा है अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां दोस्तों, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी भारत विच किसी राज की गवर्नर बनन वाली पहली इस्त्री कौन सी। अपने कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन नंबर ए है जी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी है जी अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन नंबर सी है जी अपने कोल सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी है जी अपने कोल नंदनी सतपथी। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिहड़ी सी जी वह भारत की पहली महिला राज्यपाल या गवर्नर आप कह सकते हैं जी बनी सी। इस तो इलावा क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछे गए कि ये किहड़े राज दे गवर्नर बने सी, तां किहड़ा राज सीगा जी वो उत्तर प्रदेश, किहड़ा राज सीगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। इस तो इलावा ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत की पहली महिला सीएम कौन सी, भारत की जिहड़ी है पहली महिला सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन सी, तो वह कौन सी सुचेता कृपलानी, कौन सी दोस्तों सुचेता कृपलानी, तो वह भी किहड़े राज की बनी सी दोस्तों वह भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिहड़ी राज्यपाल बनी सी दोस्तों वह सीगे सरोजनी नायडू, वह किहड़े राज दे सीगे उत्तर प्रदेश के, ते पहली जिहड़ी महिला सीएम यानी मुख्यमंत्री बनी सी वह कौन सी दोस्तों सुचेता कृपलानी, तो वह भी किहड़ा राज सीगा उत्तर प्रदेश। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां दोस्तों, अपना नैक्सट क्वेश्चन है साहित्य के खेत्र विच महान इस्त्री जिसनू भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है। अपने कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन नंबर ए है जी अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर बी है जी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी है जी कमला दास, ऑप्शन नंबर डी है जी अपने कोल महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने कोल हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू नूं जिहड़ा है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं दोस्तों, अपना नैक्सट क्वेश्चन है दोस्तों आरती शाह, इत्थे तुसी शाह लिखना है दोस्तों, आरती शाह विश्व की पहली इस्त्री सी जिसने तैर के केड़ा चैनल पार किया। यह क्वेश्चन अपने कोलों पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अपने कोल है जी इंग्लिश चैनल, ऑप्शन नंबर बी है जी पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी है जी बासफोरस, ऑप्शन नंबर डी है जी जिब्राल्टर दी खाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल नू तैर के पार करने वाली पहली जिहड़ी विश्व की इस्त्री सी उहदा नाम हैगा जी आरती शाह। इस तो इलावा यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल नू तैर के पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन सी, तो उसका नाम है दोस्तों महीर सेन। की नाम है जी? महीर सेन। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं दोस्तों, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी जेकर तुसी सलारगंज अजायब घर देखना होवे तां किस शहर जाओगे। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं तुहानू पिछे करवा चुकिया हाँ। अपने कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन नंबर ए है जी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है जी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है जी अपने कोल औरंगाबाद, तो ऑप्शन नंबर डी है जी अपने कोल फिरोजाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी मैनू कमेंट बॉक्स में दसना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तुहानू इस वीडियो के पिछे करवा चुकिया हाँ, जिस तो ये मैनू पता लग जाएगा कि तुसी वीडियो नू चंगी तरह वेख्या है जा नहीं। इस तो इलावा जेकर दोस्तों तुहानू वीडियो चंगी लगी हुए तो वीडियो नू वध तो वध अपने दोस्तों में शेयर करो ता जो वह भी इसका फायदा ले सकन। ते जेकर तुसी साढ़े चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ते नाल लगे बैल आइकन जरूर दबाओ जिस नाल साड़ी नई नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच जाए ते तुहानू नवी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो से, तब तक लई टेक केयर।